एक बार एक लड़की ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी वो उसको क्रैक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई, बहुत परेशान रहने लग गई, दुखी रहने लग गई। उसके पिता से अपनी बेटी की यह हालत देखी नहीं गई। फिर उन्होंने एक दिन अपनी बेटी को बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम मेरे साथ एक बार किचन में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। किचन में पहले से ही उन्होंने गैस स्टोव के ऊपर 3 बोल रखे हुए थे। फिर उन्होंने उन 3 बोल्स के अंदर पानी भरा, एक के अंदर कुछ आलू डाले, एक के अंदर कुछ अंडे और एक के अंदर कॉफी बीन्स, और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, और वो वहां पर खड़े रहे अपनी बेटी के साथ में और उसको देखते रहे। तो बेटी अंदर से थोड़ी सी इरिटेट होने लग गई, कहती है क्या कर रहे हो आप? तो उसके पिता ने कहा कि सिर्फ 1 मिनट और रुको, तुमको सब समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक एक करके उन्होंने गैस स्टोव को बंद किया और जो पहला बोल था उसमें से आलू निकाले और निकाल करके एक प्लेट पर रख दिए। दूसरे बोल में से उन्होंने वो अंडे निकाले और निकाल करके एक और प्लेट में रख दिए, और तीसरे बोल में से जो कॉफी थी उसको छान करके एक कप के अंदर भर दिया और वो वहीं सामने स्लैब पे रख दिया। और अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उनकी बेटी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि इसमें देखना क्या है, एक में आलू है, एक में अंडे है और एक में कॉफी है। तो उसके पिता ने कहा कि एक बार इनको छू करके देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। तो उसने सबसे पहले आलूओं को छुआ, तो जब उसको छुआ और थोड़ा सा दबाया तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। तो उसके बाद में उसके पिता ने उन अंडों को तोड़ा तो वो हार्ड थे। और फिर उसके पिता ने वो कॉफी वाला कप उठाया और अपनी बेटी को कहा कि एक बार इसको सूंघ करके देखो। तो जब उनकी बेटी ने उस कॉफी को सूंघा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसके पिता ने अपनी बेटी को कहा कि तुमने ध्यान से देखा कि क्या हुआ यहां पर? ये तीनों ही बिल्कुल एक ही सिचुएशन में गए, लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो पहला यानी कि आलू, जब हमने उसको उस पानी में डाला था उससे पहले वो बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रांग थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, यानी कि कमजोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल ही कमजोर थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रांग हो गए। तीसरी थी कॉफी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था, यानी कि उसने उस गर्म पानी में जाने के बाद में खुद को नहीं बदला बल्कि उस पानी को ही बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है। एक, आलू के जैसा, यानी कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ, यानी कि कमजोर पड़ जाओ। दूसरा, अंडे के जैसा, यानी कि जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए वो मुश्किलें तुमको अंदर से तोड़े नहीं बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रांग हो जाओ। या फिर तीसरा, यानी कि कॉफी के जैसा, मतलब कि जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो।